नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज क्या है खास हमारे आज के इस टेक एपिसोड में। सो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज अपडेट आ रही है वो है रिलायंस जियो की तरफ से। जी हां, जहां रिलायंस जियो का दे धनाधन जो ऑफर चल रहा था समर के लिए और फ्री वाला, वो भी खत्म होने जा रहा है। और वहीं पे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं करी है, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑनलाइन पे, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो अब ऑफर रिलायंस देने वाला है पेड होगा, लेकिन उसमें जो डेटा देने वाला है वो काफी अच्छा होगा, जो कि पहले जो प्लान्स दिए गए उनसे भी ज्यादा चीप होगा। जी हाँ, रिलायंस जियो का जो ऑफर आने वाला है वो कहा जा रहा है कि सिर्फ मात्र 150 रुपए के अंदर आपको 24 जीबी जो डेटा है वो एक महीने के वैलिडिटी के साथ दिया जाएगा, जो कि एक मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा ऑफर रहेगा। ये मंथली बेसिस पे आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा या फिर बिल पे करना पड़ेगा। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो है इंडियन रेलवे की तरफ से। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने अभी जो टीटी है, टिकट चेकर हैं, उन कमी होने की वजह से जो अभी टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की सोच लिया है। अब अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है वहां पर इस तरह के बैरियर लगाए हैं जो कि बारकोड एनकोडर के साथ होंगे। जी हाँ, जो आपको टिकट्स अब इशू करी जाएंगी, हालांकि अभी सभी रेलवे स्टेशन पे इंस्टेंटली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, कोलकाता एंड दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर इनको इंस्टॉल करके जो पूरा उसका वर्कआउट देखा जा रहा है, कितना क्राउड को वो हैंडल कर रहा है, ये सब चीज़ें अभी टेस्टिंग करी जा रही है। वहां पर जो है जो फ्लैप गेट्स लगे हुए हैं, उन फ्लैप गेट्स के अंदर स्कैनर्स लगे हुए हैं जो कि बारकोड को रीड करते हैं। जी हाँ, उन बारकोड को जैसे ही आपके अपनी टिकट उसमें सामने दिखाएंगे तो वो बारकोड को रीड करके आपका जो फ्लैप गेट है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह जो है अभी टेस्टिंग मोड में चल रहा है, देखना ये है कि ये वाकई सक्सेस हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो क्राउड है, जो ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा है इंडियन रेलवेज पे, लेकिन इसका सक्सेस कितना हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो है स्मार्टफोन्स की तरफ से। जी हाँ, ऑनर 8 प्रो जो है वो अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप्स, जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं अमेजोन के, उनके लिए उसकी सेल जो है 6 बजे से आज ओपन हो चुकी है। अगर आप भी अमेजोन के प्राइम मेंबर हैं तो आप इसका अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाके अमेजोन से ये ऑनर जो 8 प्रो है वो उस फोन को खरीद सकते हैं। जी हाँ, इसमें का बाकी जो दूसरों के लिए जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए ये जो ओपन होने वाला है वो कहा जा रहा है कि 13 जुलाई तक ओपन हो जाएगा नॉर्मल पब्लिक के लिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसका करीब 30,000 रुपये है। और अगर मैं फीचर्स की अगर बात करूं तो इसमें जो फीचर के नाम पे जो स्क्रीन है वो 5.7 QHD डिस्प्ले लगा हुआ है इसके अंदर, 6 GB रैम के साथ में है। और इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो 128 GB का इंटरनल मेमोरी है इसके अंदर, जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB मेमोरी के साथ। अगर मैं इसमें सिम की बात करूं तो इसमें 12 सिम है जिसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड 7.0 का नवट वर्जन डला हुआ है। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप अमेजोन पे प्राइम मेंबर हैं तो आप अभी भी खरीद सकते हैं। ये प्राइम मेंबर के लिए जो अवेलेबिलिटी है इसकी खरीदने की वो 11 जो जुलाई तक ही अवेलेबल है और 13 जुलाई से ये नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक सेफ रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद।